एक तो ये जान लो कि डॉट ओडीटी, ओडीटी की बात आती है तो ओडीटी राइटर के फाइल की एक्सटेंशन होती है, ओपन ऑफिस राइटर। और जो कैल्क है, कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग समझती हो, जिसपे आप पेपर डिजाइन कर सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, किताबें छापने का काम कर सकते हैं, ये सारे काम हो सकते हैं उसपे। इवन आप चाहे तो अपना बायोग्राफी भी उस पर लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे काम हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ क्या नहीं होगा, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते राइटर जैसे सॉफ्टवेयर पर। अब कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ओपन ऑफिस को ओपन करूंगा, यहाँ पे टाइप करता हूँ राइटर, मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाता है। तो हमें लीब्रा नहीं ओपन करना है, हमें ओपन ऑफिस ओपन करना है। तो ये ओपन ऑफिस ओपन हो गया, ठीक है? अब जैसे ही ओपन होगा तो ये इस तरीके का सिनेरियो दिखाएगा। इसमें जो भी सॉफ्टवेयर मौजूद है वो, अब देखिए ये राइटर हमने ओपन किया था, राइटर ये राइटर है, ठीक है? इस पर कुछ भी अगर मैं लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा, ये मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है? और नाम लिख करके क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा। तो फाइल पे जाकर के सेव वाला बटन है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, सेव की, कंट्रोल एस, ठीक है? और सेव एज की कंट्रोल शिफ्ट एस है, ठीक है? तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको सेव करूंगा। जब सेव करूंगा तो इसकी एक्सटेंशन आपको पता चलेगी, ठीक है? एक्सटेंशन पता चलेगी। क्या पता चलेगा? एक्सटेंशन। जैसे मान लीजिए इसको राम के नाम से सेव कर देता हूँ, और इसको कहाँ सेव करूंगा, डेस्कटॉप पे, ठीक है? तो ये डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है जी, राम लिखा है, ठीक है ना? इसके फाइल की एक्सटेंशन क्या है, डॉट ओ डी टी। कैसे पता? क्योंकि ये राम नाम से सेव हुआ है, और यहां पर क्या आ रहा है, ओ डी टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर फिर भी ना दिख रहा हो तो यहां से देख लीजिए, ये राम डॉट क्या दिया है, ओ डी टी है ना? यही फाइल की एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? अब रही बात कैल्क की, तो थोड़ा सा कैल्क को देख लेते हैं। तो कैल्क कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे सर्च कीजिए सीधे सीधे कैल्क, CALC। तो देखो ये ओपन ऑफिस कैल्क आ रहा है, ठीक है? राइटर नहीं ओपन, लिब्रे ऑफिस नहीं ओपन करेंगे, ओपन ऑफिस कैल्क ओपन करेंगे। तो देखो ये कैल्क सॉफ्टवेयर है, ठीक है? अब ये कैल्क एक्सेल के जैसा ही है। अब मैं अगर आपको एक्सेल दिखाऊं तो देखिए ये एक्सेल है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये एक्सेल 2007 है, ठीक है? तो इसी को ओपन कर लेता हूँ। तो दोनों एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए इसमें भी रो कॉलम बने हुए हैं, ये कॉलम है, ये कॉलम है, इसमें भी ये कॉलम है, ये कॉलम है कि नहीं है? तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों ही किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, स्प्रेडशीट, ठीक है ना? तो दोनों ही के फाइल के एक्सटेंशन अलग है, एक्सेल की कहानी अलग है। एक्सेल में डॉट एक्सएलएस या डॉट एक्सएलएसएक्स होता है इसके फाइल का एक्सटेंशन, एक्सेल का, ठीक है? और जब कैल्क की बात आएगी तो कैल्क हमेशा क्या होगा, डॉट ODS एस होगा, ठीक है ना? समझ आ रही बात की नहीं, डॉट ODS होगा, ठीक है? समझ आ गया, क्लियर है ना? अब नहीं भूलेगा।